हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको मिलेगा एक नया चीज़ देखने को और कुछ नया चीज़ जानकारी भी मिलेगी जानने को। ये है जैसे बिहार में या कहीं भी एज यूजुअल मैं जानती हूँ ये सत्तू पराठा होते हैं। आटा गूंथा गया है और इसमें जो है सत्तू है, प्याज है और भरवा अचार है जो मिर्चा का अचार होता है, हरा मिर्च है, लहसुन है, नींबू एडिशनल है अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, एंड इसमें सरसों का तेल है और तीखा के लिए मिर्च पाउडर रखा गया है। तो ये बनने जा रहा है आपका सत्तू पराठा और ये बनाने वाली हैं कौन तो ये और ये बनाने वाली हैं ये जो है यूपी की यूपी में क्या बोलते हैं इसको, घाटी। तो ये घाटी बनाने वाली है और इन्होंने बोला कि आज मैं घाटी बनाऊंगी। तो ये कैसे बनता है ये आज बताएंगी। तो चलिए हम चलते हैं किचन की तरफ। आज हम दूसरे के किचन में बनाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे किचन में गैस ख़त्म हो चुका है। तो चलिए हम चलते हैं, आ चुके हैं किचन में। ओह छी, हम लोग से भी एक गंदा किचन है। देखो उधर कबूतर भी बैठा हुआ है। देखो हमारे किचन में कबूतर भी है। हमारा किचन नहीं है, आई मीन ये रिफाइन है जो यूज होगा उसमें तेल लगाने में। देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आवर किचन रूल्स, इफ़ यू एम्प्टी इट फिल इट, If you dirty it, clean it. If you open it, close it. If you spill it, wipe it. If you cook it, share it. गर्म होगा तो ना बनेंगे। बुता खा देता। लेटर वा काफी। पैसे रखे हैं। अच्छा। ये देखो, ये लोया बनाने वाली हैं। लाइट उल्टा उल्टा लगा लिया है इसमें सब। किचन इधर बहुत अजीब। ये भर रही हैं इसमें घाटी हाँ, क ख ग घ और ट ठ ट ठ घाटी है ये। देखो इसमें ये भर रही हैं। ये कहाँ से सीखा तुमने? ये भी मम्मी सीखा, नहीं मामी से सीखा। अच्छा मामी से। चलो आप लोग आज सीख लोगे कैसे बनाना है। अब मैं भी थोड़ा सही से कोई इसको हेल्प कर दूँ, ठीक है। तो मिलते हैं जब ये, अब ये ऐसे ही बनेगा, ऐसे ऐसे बनाए जाएंगे। आप थोड़ा सा ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, ठीक हो जाएगा। चलो फुले फुले घाटी नहीं समझ लीजिएगा, ये घाटी है। था तब तक एक तैयार हो रहा है और ये है बनाने वाली भावी कलाकार एक्ट्रेस ऋषिका शुक्ला। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इनका भी चैनल है, आपको इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। देखो इसमें लंबे लंबे प्याज रखे गए थे,
फिर भी पता नहीं चल रहा है क्योंकि बहुत ही पतला स्लाइस था, बारीकी से बनाया गया इसे, और इसमें बहुत सारे तेल डाले गए हुए थे ताकि वो बाइंड कर पाए सत्तू को, यानी कि यूपी के लैंग्वेज में घाटी को। ठीक है, देखिए ऐसे अगर अब वो होता है ना, हम लोग का वो ब्रश अभी नहीं है ऑयल ग्रीस करने वाला, तो हमने कुछ कॉटन के कपड़े ले लिए हैं और इसको ही एकदम साफ फ्रेश है ये। ठीक है, रहने दो रहने दो, देखो कितने अच्छे अच्छे एकदम से इस पर घी डाल के आप खा सकते हो, लेकिन हम घी नहीं डालने वाले। ओके, रोटी अगर आपको प्लफी बनाना है ना, तो ये देखो ये फर्स्ट पलटन है, ऐसे अगर हो जाता है तो आप एक बार पलट सकते हो, यानी कि रोटी जब इतना छोटा साइज होता है, ये ट्रिक होता है, बहुत ही ललन टप आइडिया है इस, जब छोटा होता है तब तक एक बार ये पलट दो, जब वो बड़ा हो जाता है तो नेक्स्ट ये इसको पलट दोगे। देखो हो चुका है हल्का हल्का, फिर भी इसे घुमा करके उसके बाद आप इस पर तेल लगा सकते हो और वो जो होंगे रोटी बहुत ही फूले फूले से होंगे। ये घाटी है, घाटी देखो कितने अच्छे से फूले, ये है अभी बन रहा है, जितना बना था वो शायद बन गया, अब जल्दी जल्दी ये भी बनाओ यार, भरने वाला बन जाएगा उसमें ज़्यादा। देखो अब आटे खत्म, वो सत्तू पराठा ख़त्म हो गया है, तो उसका क्या कीजिएगा? उसका पराठा बनेगा, भोजपुरी में बोल के बताइए वो कर क्या हुई अब उसको, पराठा बनी। अच्छा, सिंपल सा, हाँ सादा सादा, हाँ सादा सादा ही। ये ख़त्म ख़त्म, ये हो गल, अब बच गल हाउ, हाउ हाउ के कहते कहल जाई, कहते कहल जा ओ करा के नहीं, हाउ कहल जला परेठा नहीं नहीं ना, हाउ तो अगर सामने गाथी बट कि हाउ कर का हुई बाकी के, तो हाउ कहता नहीं तो हाउ सही बा बक इस रोटी में बुरा नजर लग गया दोनों तरफ होल होल हो गया इसको इसमें रख पूनम दोनों साथ बचे हुए का ये बन रहा है, क्या बन रहा है? चार को कौन वाला पराठा, चार को कौन वाला पराठा नहीं है। हाँ तो देखिए हम बनाते हैं इसे। अच्छा लच्छा पराठा, गड़बड़ हो गया, ये देखो कितना बन चुका है, इतना डिजाइन तो बना लू मैं एक पराठा में। इस पराठे की हिस्ट्री लंबी है, पहले ये चार वाला कोन वाला बना, उसके बाद लच्छा बना, उसके बाद ये तीन कोन वाला पराठा बना, और दीने खराब बाकी बना बन। तो फाइनली बारात का भोज बन गया है, देखो इतने सारे बने हैं। ओ भाई साहब आपको भी खाना है तो बता दो, भाई इतने सारे, हमने बोला है कि ज़्यादा आटा गुथ लिया है तुमने, फिर भी देखो कितना सारा, चलो कल का भी हो जाएगा कांड हो गया कांड हो गया जंगल में, कांड हो गया किचन में, कांड हो गया एकदम गरम गरम तवे को नहला दिया है तुमने, क्या करें मजबूरी का भाई साहब, और तरह के दिखावते हुए चलते बड़ा स्टाइल के बाद, मेहनती बच्चा देखो इसको सारा धोते हुए लाइए आई दुगो ऊपर वाला पराठा स्पेशल इनके लिए बना है, रखा करो। देखो हम लोगों ने बनाया रोटी है, ये महारानी जा, महारानी सॉरी ये जा रही है, ये स्टूडियस बच्चा है बहुत ही, ये जा रही है चाय बनाने, देखो दूध खराब ना हो इसलिए इन्होंने बर्फ जमा रखा है, और आज ये होगा चाय
और घाटी हैं। तो देखो ये भी तरीका सही है, पानी में थोड़ा सा डाल दिया जाता है और उसके बाद वो इससे दूध निकाले जाते हैं। दिख ही नहीं रहा है, देखो ऐसे बाकी बर्फ जमे हुए हैं। आज योर विश, जैसे आप करना चाहो कर सकते हो। चलो हम मिलते हैं खाने के टाइम। अब देखो भाई चाय भी बन गया यूपी स्टाइल में, क्योंकि ये यूपी से बिलोंग करते हैं, बिहारी यूपी मिक्स है आज का डिनर। अब भाई खाने की बारी, देखिए चाय के साथ। ये मत देखो इसमें, कुछ नहीं दिखेगा आपको, इसमें भी मत देखो, ये देखो ये कप देखो, क्योंकि यहाँ पे कोई चाय पीता नहीं है। दो आदमी चाय पीते हैं, ओए दो जने चाय पीते हैं, मैं चाय पीती नहीं हूँ, तो इसलिए एक कप फूट चुका है, तो इसमें हम लोग पियेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग खाने जा रहे हैं चाय के साथ, ट्राई करती हूँ मैं फर्स्ट टाइम। ये भी गर्म है, चाय भी गर्म है, पता चला जी भी जल जाए जल जाए, उसके बाद कोई स्वाद ही नहीं आएगा। ये लो, ये तो चबाने लगी एकदम से। देखो भैया मैं ज़्यादा नहीं जलाऊंगी, नहीं तो मेरे मुंह जल जाएंगे, तो मैं खाऊंगी क्या फिर। टेस्टी लग रहा, चलो तो मिलते हैं आप लोगों को। ये घाटी कैसा लगा यूपी स्टाइल में? घाटी अच्छा लगा हो तो आप खुद बना के खाइए पिए, मौज कीजिए। नहीं तो हम थोड़े ना पहुंचाएंगे, कमेंट कीजिएगा तो हम पार्सल कर देंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि वो और भी आपके फ्रेंड्स बना कर खाएं। ओके बाय, गुड नाइट।